Welcome to Sprint UPSC. We are covering Macroeconomics of Class 12, Chapter 3, Money and Banking. अब तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द वीडियो. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? पहला फंक्शन जिसके लिए आरबीआई जाना जाता है कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट. आरबीआई को ऐसा कहा जाता है. इट इज बैंकर टू द बैंक्स. मतलब आरबीआई पहला काम तो ये करता है कि बैंक्स को रेगुलेट करता है, फर्स्ट थिंग. लेकिन अगर बैंक्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है फंड्स की या फिर किसी एडिशनल हेल्प की, तो दे अप्रोच टू आरबीआई. आरबीआई क्या करता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, आरबीआई को अगर एडिशनल मनी क्रिएट करनी है मार्केट में, आरबीआई विल ईदर परचेज बॉन्ड्स और सेल बॉन्ड्स इन फॉर्म ऑफ, अगर उसको निकालना होगा पैसा. तो अगर आरबीआई ने 1 करोड़, दिस इज 1 करोड़ बैंक को देना है, तो बैंक से 1 करोड़ का बॉन्ड ले लेगा. इन अनदर सिनेरियो, अगर आरबीआई को 1 करोड़ मार्केट से निकालना है, बैंक से निकालना है, तो क्या करेगा, 1 करोड़ का बॉन्ड आरबीआई बैंक को देगा और उसके बदले में बैंक से 1 करोड़ ले लेगा. सो दिस इज द वे हाउ आरबीआई क्रिएट्स मनी सप्लाई और रिड्यूसेस मनी सप्लाई. जब आरबीआई खरीद रहा है बॉन्ड्स को, इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई पैसे दे रहा है तो मनी सप्लाई आरबीआई क्रिएट कर रहा है और बैंक्स को वो पैसा मिल रहा है ताकि बैंक्स आगे फॉरवर्ड कर सके इन फॉर्म ऑफ लेंडिंग्स. तो आरबीआई का पहला फंक्शन तो ये हो गया कि बैंक्स को एक लेंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने का है. दूसरी चीज आरबीआई ये करता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई डेफिसिट आता है और मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपने बैंक के पास भागती है. और जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो है आरबीआई. उधर क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द केसेस में डेफिसिट में रहती है, वो आरबीआई के पास गई. आरबीआई से कहा कि मुझे 100 करोड़ चाहिए. 100 करोड़ आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने 100 करोड़ ये तो दिए, लेकिन ये दिए वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस. वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, WM हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट में. अब वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस में क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड लिख के दे रही है आरबीआई को कि ये इतना इतना पैसा मैंने आपसे लिया है और इसको मैं आपको रिटर्न कर दूंगा इतने इंटरेस्ट पे. अब ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज आरबीआई के पास है. एंड नाउ गवर्नमेंट बैंक रेट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है. कभी भी बैंक के पास कभी कैश की कमी आ जाती है, रिजर्व की कमी आ जाती है, तो बैंक्स आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं और उससे उधार ले सकते हैं आरबीआई से. और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग यूजुअली बैंक रेट बोलते हैं. ये रेपो रेट से अलग है. रेपो रेट क्या होता है वो हम लोग फिर कभी दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नॉट दिस वीडियो, बट दीज आर बैंक रेट्स. बैंक रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि बैंक्स की जो शॉर्टेज है फंड्स की वो किसी तरह पूरी हो जाए. पर्पस क्या होता है इस पैसे को प्रोवाइड करने का, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, एक होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशो. रिजर्व डिपॉजिट रेशो, अब सपोज एक बैंक है, बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया और आरबीआई ने कह दिया 4 रुपए CRR के फॉर्म में रख ले और 6 रुपए SLR के फॉर्म में अपने पास यहां से निकाल के रख लो, तो टोटल 10 रुपए रिजर्व के फॉर्म में इसको रखने पड़ गए और 90 रुपए को ही वो ट्रांजेक्ट कर पाया. बाय चांस ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक कस्टमर आ गया, उसने कह दिया कि भाई मुझे तो 60 रुपए का लोन चाहिए. अब सिचुएशन क्या है, 90 में से वो 50 रुपए दे चुका था, उसके पास बचे थे 40 रुपए और उसने सोचा कि 10 रुपए तो कहीं और से भी अरेंज हो जा रहे हैं, मेरे पास किसी तरह अरेंज कर लिए मैंने, अब फिलहाल 10 रुपए में क्या करता हूँ, ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशो है उसमें से अभी निकाल के इसको दे देता हूँ, टोटल 60 रुपीज का इसको मैंने लोन दे दिया. अभी बैंक ने क्या करा, बैंक ने इस, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस पर, बैंक ने इस रिजर्व डिपॉजिट रेशो के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दिया और रिजर्व डिपॉजिट रेशो को निकाल के जो पैसा वहां जाना था वो इस कस्टमर को दे दिया. अब जब आरबीआई पूछेगा तो कहाँ गए वो पैसे, तो आरबीआई बैंक कहेगा कि मेरे पास वो शॉर्टेज हो गई है, उसको शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए मुझे पैसे दे दो
और बैंक रेट पे आरबीआई से वो पैसा उठा लेगा बैंक। अब सपोज बैंक रेट कम रेट्स पे है तो बैंक के पास फायदा क्या है, बैंक सोचेगा कि बैंक रेट तो बहुत कम पे है तो मैं अभी ये जो पैसा मेरे पास रिजर्व है मैं मोटी पार्टी को दे देता हूँ, आरबीआई से बाद में उधार में ले लूंगा, इजी है। लेकिन अभी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट को बढ़ा दे तो बैंक्स 2-3 बार सोचेंगे कि मैं इसको दे दूंगा तो बैंक रेट को उठाना पड़ेगा पैसा, वो बहुत हैवी होगा। तो अगर बैंक रेट कम होता है तो बैंक्स एनकरेज होते हैं कि मैं रिजर्व के साथ छेड़छाड़ कर सकूं, लेकिन जब ये ज्यादा होता है तो आरबीआई बैंक को डिस्करेज करता है कि इसके साथ सोच के भी छेड़खानी मत करना। और जैसा कि हमें पता है जितना लोन जाएगा उतना पैसा बैंक्स मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ये तो था फंक्शन मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करने का, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करके। एक और फंक्शन होता है आरबीआई का, वो है स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इंडियन मार्केट्स अब प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स प्रोवाइड करने लग गए हैं। अभी इंडियन बॉन्ड्स पे यील्ड आ रही है 8% की या फिर 10% की, सपोज कर लेते हैं इतना बॉन्ड पे इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है मार्केट में। वॉरेन बफेट ये चीज अमेरिका में बैठ के देखते हैं, वॉरेन बफेट अगर वहां पे बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 1% 2% इतना ही मिलता है। उन्हें लगा यार ये तो अच्छा मौका है, इंडिया में कर लेते हैं, 8-10% आ रहा है। तो जाते हैं किसी ऐसे इंसान के पास जिसके पास इंडियन बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, तो उनको राकेश करके कोई इंसान मिल गया, उसको कहा कि भाई मुझे ये बॉन्ड्स दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे देता हूँ। सपोज ये था 50 करोड़ के बॉन्ड लिए, 50 करोड़, ओके। और अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, अभी सपोज कर लेते हैं $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो ऐसे में वॉरेन बफेट को 1 करोड़ डॉलर, डॉलर 1 करोड़ राकेश को देनी है, और उसके बदले में वॉरेन बफेट ने ये बॉन्ड्स उठा लिए। अब राकेश इस 1 करोड़ का क्या करेगा, डॉलर्स में तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा कि ये मैंने डॉलर्स के फॉर्म में जमा कराए हैं, इसको रुपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। तो रुपी के फॉर्म में एसबीआई ने कन्वर्ट कर दिया, उसको 50 करोड़ दे दिए, और 1 करोड़ का एसबीआई लेकिन क्या करेगी जो उसके पास है, एसबीआई उस 1 करोड़ को लेके जाएगी आरबीआई के पास और उसके बदले में रिटर्न्स में रुपए ले आएगी। मतलब ये अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ा, 1 करोड़ डॉलर्स को 50 करोड़ रुपीज में कन्वर्ट करने का, वो बर्डन पड़ा आरबीआई के ऊपर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, 1 करोड़ की मनी सप्लाई डॉलर्स की बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ 50 करोड़ की जो मनी सप्लाई है वो भी मार्केट में बढ़ी है। आरबीआई ने 1 करोड़ डॉलर का एसेट अपने पास क्रिएट करा, लेकिन आरबीआई को 50 करोड़ रुपए बैंक्स में देने पड़े। अब ये 50 करोड़ रुपए मनी मल्टीप्लायर के फॉर्म में 50 से 100, फिर 150, फिर 200 करोड़ होते जाएंगे, और जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस होते हैं। अब आरबीआई का मन है कि 50 करोड़ जो रुपए मैंने मार्केट में भेजे हैं किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर मैं कंट्रोल लगाऊं, इसको स्टरलाइज करूं। अब इसी को स्टरलाइज करने के लिए आरबीआई स्टरलाइजेशन करना शुरू कर देती है। यहाँ पे लिखा है विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट एसबीआई विल क्रिएट मल्टीपल ऑफ दैट अमाउंट, जो मतलब बैंक के पास है, और इसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे रिड्यूस शॉक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टरलाइजेशन करेंगे। आरबीआई क्या करेगा, जितने करोड़ उसने 50 करोड़ के सपोज पैसे एसबीआई को दिए थे क्योंकि 1 करोड़ डॉलर आए थे आरबीआई के पास, तो उतने के ही वो बॉन्ड भी इशू कर देगा। दिस इज बॉन्ड ऑफ 50 करोड़। अब बॉन्ड को आरबीआई जब बेचता है तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है कम होती है, ऑब्वियसली बॉन्ड बेचा और उसके बदले में पैसे ले लिए, तो 50 करोड़ के बॉन्ड को बेच के 50 करोड़ मार्केट से निकाल लिए। तो दिस इज नोन एज स्टरलाइजेशन, कि कभी भी ऐसा लगता है कि फॉरेन सोर्सेस की वजह से मेरे ऊपर डिमांड बढ़ रही है कि मुझे मनी सप्लाई को क्रिएट करना पड़ेगा, उस केस में गवर्नमेंट दूसरे रूट, सॉरी आरबीआई दूसरे रूट से पैसे को स्टरलाइज करके मनी सप्लाई को कम करती है। सो दिस इज द ब्रॉड फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग एनसीईआरटी का स्कोप नहीं है, जब
दूसरी बुक्स को हम लोग कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल आप तब तक क्या कर सकते हो, चैप्टर थ्री के अंत के साथ आप स्प्रिंट यूपीएससी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर डाउनलोडेड है तो उसमें से टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। इजी, हार्ड, मीडियम, हर तरीके के लेवल हो गए। और जितना ज्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी कमियों को देखोगे, एनालाइज करोगे अपनी स्ट्रेंथ को, उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी और उसका फायदा आपको मेन एग्जामिनेशन में होगा। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।